अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए राम भक्तों में राम के प्रति भक्ति के साथ साथ दान पुण्य की भावना देखी जा रही है। देश के अलग अलग जगहों से राम भक्त राम को कुछ ना कुछ समर्पित कर राम के काज में भागीदार बनना चाहते हैं। हापुड़ जिले से राम भक्त राहुल दीक्षित द्वारा आनंदा डेयरी के 130 देशी घी से भरे टीनों को अयोध्या के लिए भेजा गया है। राहुल दीक्षित ने बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले प्रसाद के लिए आनंदा डेयरी की ओर से 130 देशी घी के टीनों को भेजा गया है। आनंदा डेयरी के डायरेक्टर राहुल दीक्षित ने कहा कि राम भक्तों का 500 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। कंपनी से जुड़े 2 लाख किसानों के सहयोग से राम भक्तों के प्रसाद के लिए देशी घी के टीनों को भेजा गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हापुड़ जिले के राम भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। परिवार की तरफ से हम बहुत खुश हैं बताते हुए कि हमारा पुराना सपना, जो 500 साल पुराना हमारा सपना, जो अयोध्या में राम मंदिर का आयोजन हो रहा है, तो उसमें हमने हमारे आनंदा परिवार की तरफ से 130 घी की टीन हमने भेंट दी है। और हमारे जो 2 लाख किसान के साथ हमारा जो जुड़ाव है, आगे हमारे जो 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, उनके सहयोग से हम लोग ये पूरा अपना सपना पूरा कर पाए हैं कि हम इस तक पर आ पाए हैं कि हम ये भेंट दे पाए हम अपने भगवान राम के लिए।